नमस्कार दोस्तों, राष्ट्र आजकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश इस साल अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 26 जनवरी का दिन भारतीय इतिहास में बेहद खास दिन है। ये दिन हमारे लोकतांत्रिक होने का प्रतीक है, लेकिन बहुत से लोगों के मन में एक सवाल भी होगा कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा से पारित होने के बाद आत्मार्पित कर लिया गया, तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन ही क्यों मनाते हैं। आइए जानते हैं गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं। इसके पीछे कांग्रेस का 1929 का लाहौर अधिवेशन है। दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हम बात कर रहे हैं गणतंत्र दिवस यानी कि आज के बेहद खास दिन गणतंत्र दिवस के बारे में। आइए जानते हैं गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की। इसके साथ ही अंग्रेजों के खिलाफ खुला विद्रोह करने के साथ ही कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का ऐलान किया। बताते हैं कि 26 जनवरी 1930 को देश भर में जगह जगह सभाएं आयोजित की गईं और लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्ति की शपथ ली। यही कारण है कि स्वतंत्रता 15 अगस्त को मिलने के बाद संविधान सभा के नेताओं ने इसे 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में लागू करने और इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। तो इसलिए गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। आइए मिलकर मनाते हैं देश का 75वां गणतंत्र दिवस। आप सभी देशवासियों को राष्ट्र आजकल के पूरे परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।